चैनल एंड वेलकम बैक टू मैनी वीडियो। सो आज की वीडियो अपनी थोड़ी सी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज दिखाने वाले हैं भाई अपन एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज़, जो कि भाई हमने अभी कुछ दो चार दिन पहले ही खरीदा है। और भाई अभी तो एक हफ्ते इतना मतलब करीबन एक हफ्ते हो गए भाई, तब से भाई अपने ब्लॉग नहीं आ रहे, तो भाई उसका कारण मैं आप लोग को भाई बाद में बताऊँगा, क्योंकि भाई ये वीडियो हो जाएगी भाई थोड़ी ज़्यादा लंबी। और भाई दिखाते हैं भाई वो चीज़, तो भाई वो चीज़ क्या है भाई कि अपने को अभी खरीदना था बाइक, तो फिर हमने ले ली भाई थोड़ी स्पोर्ट्स वाली बाइक, जो कि भाई मतलब ना थोड़ी नहीं मतलब अच्छी खासी भाई एक स्पोर्ट्स वाली बाइक है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर जरूर कर दें, बेल आइकन भी जरूर दबा लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और ऐसी अच्छी वीडियो मिलते रहेंगे। फिर चलते हैं और दिखाते हैं भाई अभी नई चीज़, अभी अपन दिखाते हैं भाई हमने नई बाइक कौन सी ली भाई, जो एकदम मतलब भाई हो सकते हो भाई एक तरह की भाई रेसिंग ही बाइक है। फिर भाई फाइनली भाई अपनी बाइक यहाँ पर सामने खड़ी है, और ये भाई यामाहा की R15 V3 ब्लैक एंड ब्लू कलर में भाई, जो कि भाई काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है इस गाड़ी के हिसाब से। यहाँ पर सब लोग देख ही सकते हो भाई गाड़ी को, और इसमें इसके चारों पर तो भाई फ्रंट DRL मतलब जो इसमें साइड में DRL आप लोग इसको बोल सकते हो DRL ही है। तो भाई इसमें फ्रंट में आप लोग देख सकते हो जैसे कि DRL चल चुके हैं भाई यहाँ पास, और एक यहाँ पास का ये इसके भाई DRL है। और मैं आप लोग दिखाता हूँ भाई दूर। सो गाइस पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक की फ्रंट लुक के बारे में, तो फ्रंट लुक आप लोग थोड़ी दूर से देख सकते हो कुछ ऐसा दिखेगा फ्रंट लुक, क्योंकि भाई मिरर अभी मैंने थोड़े खोल रखे हैं, तो बाइक थोड़ी और ज़्यादा ना बड़ी दिखती है मिरर से। कई लोग मिरर को बंद करके रखते हैं, तो मिरर बंद करना कोई अच्छी बात नहीं है भाई, ये अपनी सेफ्टी के लिए आप इसको पीछे वाले मिरर खुले रहें तो, और बाइक की भी थोड़ी लुक पड़ती है मेरे हिसाब से तो। और भाई यहाँ का सीन ऐसे है, गाइस मैं दिखाता हूँ अभी आपको फ्रंट में भाई हमने क्या इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करे हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें भाई हमने ब्लैक कलर का पेंट करवाया है, जो कि पूरा मैट फिनिश पे, और जो कि काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है, मैच हो रहा है भाई इसमें पूरा अपनी बाइक पे। और साथ ही इस नीचे आप लोग देख सकते हो नीचे तो भाई ऐसे ही सीन है, नीचे आप लोग भाई इसमें जो LED वाले ये सिस्टम मिलता है भाई, ये भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसकी भाई रोशनी भी मतलब काफ़ी अच्छी है। और इसमें साइड साइड में मैंने भाई चाबी चालू रखी है, तो ये साइड साइड वाले लाइट भाई दोनों तरफ अभी यहाँ देख सकते हो जल रहे हैं भाई दोनों तरफ, यहाँ भी चल रहे हैं भाई। और ये भाई इसका ये लोबी में ये साइड साइड की इधर भी है और उस साइड भी ये यही वाला है लोबी में, और उसका हाई बीम भाई ये वाला है, तो इसके जब चलते हैं ना भाई तब रोड पे भाई एकदम अलग ही उजाला हो जाता है। और वैसे यहाँ पर सब लोग को भाई लग रहा है कि एयर इनटेक है, पर यहाँ पास एयर इनटेक जैसा भाई कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पास ये सिर्फ लोगों यहाँ पास सिर्फ भाई ये ऐसे दिखने के लिए बस है, और ये एयर इनटेक नहीं है। और कैसे दिखाते हैं आप लोग को नीचे से, तो नीचे से इसमें देख सकते हो आप लोग यहाँ पास इसमें रेडिएटर लगा हुआ है, साथ ही ये इसका टायर, और टायर भाई अभी थोड़े गंदे हो गए क्योंकि अभी बरसात थोड़ी बरसात हुई थी, तो हमने इसे थोड़ा कीचड़ वीचड़ चला दी थी इसे गंदे गए। और ये है डिस्क ब्रेक, और साथ ही ऐसा है भाई इसका ये वाला ग्राफिक्स भी यहाँ पास आता है अपना यामाहा का, जो कि ब्लू वाला है, और भाई काफ़ी अच्छा है ये ग्राफिक्स यहाँ पास से। और MRF के इसमें टायर लगे हुए हैं, और दिखाते हैं आप लोग को ये राइट साइड से, तो इस राइट साइड से आप लोग देख सकते हो अलग तो जो अलग व्हील है भाई इसका डिज़ाइन भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि लगे ना कैसे ये साइड वाला डिज़ाइन इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। और साथ ही कहीं यहाँ पास आपको यहाँ पास भी थोड़ी मैट फिनिश कार्बन फाइबर तो नहीं, थोड़ी मैट टाइप की फिनिश दी गई है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मडगार्ड में, जो कि थोड़ा अलग लुक देते हैं गाड़ी को। साइड अभी हम लोग बात करते हैं साइड से, तो साइड से बाइक कुछ ऐसी दिखती है, और साइड में आते हैं तो अभी इसकी भाई इसमें तो भाई इतने बड़े इसके फेयरिंग ही है, और नीचे इंडिकेटर आते हैं भाई इसमें नीचे, और साथ में नीचे से देख सकते हो ऐसे सीन। और यहाँ पास भाई इसमें जो कूलेंट डलता है वो यहाँ पास डलता है भाई कूलेंट इसका, तो भाई इसमें पूरा कार वाला सिस्टम दे रखा है कि कूलेंट भी डलता है और रेडिएटर भी है, और उसमें फ़ैन भी लगा हुआ है, जब इंजन गर्म होता है तब वो चालू होता है भाई। और ऐसा है ये साइड का ऐसा लुक, यहाँ पर इंडिकेटर भी लगा लिया भाई हमने। तो भाई अभी आते हैं इसकी स्पीडोमीटर पर, तो भाई यहाँ पास है भाई इसका स्पीडोमीटर जो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है भाई, यहाँ पास हमने 42 किलोमीटर चला दी गाड़ी पास है ट्रिप एफ, मतलब अभी हम 15 किलोमीटर ऐसे चलाए थे आसपास वो है, यहाँ टाइम में दिखाएगा भाई, और यहाँ पास फ्यूल दिखाएगा आपको, यहाँ गियर अभी न्यूटन में है तो न्यूटन की लाइट भी लेंगे, जैसे कि मैं इसको एक गियर में डालता हूँ तो अभी यहाँ पास एक लिखा जाएगा, फिर क्या दो में डालूंगा तो दो भाई आगे पीछे करना पड़ेगा बाइक, तब दो में डालेगा, क्या एक है ऐसा भाई गियर यहाँ दिखाते रहेगा।
और गाइस साथ ही यहाँ पास आपको सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और इस साइड भी वैसा भी आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पर भी। और ऐसा गाइस बाइक का लुक, यहाँ मिरर जो आप लोग को पीछे दिखाएगा भाई, पूरा आपको पीछे का जो लुक है भाई वो यहाँ से आपको मिलता रहेगा। और साथ ही भाई दिखाते हैं अभी इसका VVA टेक्नोलॉजी है, जो कि भाई जब 7500 RPM से ऊपर जाते हो भाई तब ये VVA एक्टिवेट हो जाता है, मतलब एक इसका वॉल्व है जो खुल जाता है। इस बाइक की टॉप स्पीड है जो कंपनी क्लेम करती है 136 पर भाई। इसको यूट्यूबर, मतलब जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा भाई, इसको 150 तक भी कई यूट्यूबर ने लेके गया है, तो भाई मतलब 140 तक आराम से चली जा, मतलब जा सकती है आराम से। और यहाँ पास भाई इसका लोगो भी भाई काफ़ी अच्छा सा आता है, जैसे आप चालू करोगे तो यहाँ हाय सॉरी मैं अपना नाम सेट किया हूँ तो वो आएगा, और साथ ही जब इसको आप बंद करोगे तो CUBL लिखा हुआ आएगा। और रात में भाई ये तभी स्क्रीन आपको दिख रहा है, जब आप चालू करोगे तो ये भाई पूरा मतलब वाइट कलर का हो जाएगा, ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब वाइट कलर का देंगे तो रात को भाई और ज़्यादा अच्छा दिखता है। स्क्रीन मैं आप लोग को दिखाता हूँ भाई फोटो में, ये भाई स्क्रीन रात को कैसा दिखता है वहाँ से आप लोग भाई देख सकते हो आराम से। और कैसे अभी आते हैं भाई इस एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है भाई, तो अभी अपन सुनाते हैं एग्जॉस्ट का साउंड, क्योंकि इसका स्टॉक एग्जॉस्ट अभी हमने रहन दिया भाई, क्योंकि एग्जॉस्ट हम बाद में बदलने का सोच रहे हैं भाई, पर अभी अभी तो मतलब एग्जॉस्ट रखेंगे कुछ दिन तक। तो इधर अभी सुनाते हैं, तो इधर अभी सुनाते हैं एग्जॉस्ट का साउंड भाई, क्या भाई इधर अभी हमने कर दी न्यूटन में और याद किया भाई बाइक चलू। फिर कुछ ऐसा है बाइक का साउंड, और भाई लुक तो मैंने आप लोग को दिखाई दिया कि भाई लुक कुछ ऐसा है बाइक का। और कैसे बाइक कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई ये थोड़ी स्पोर्ट्स बाइक टाइप की बाइक है, तो इसलिए भाई हमने इसे लिया है, क्योंकि आप लोग देख ही सकते भाई काफ़ी मतलब पूरी स्पोर्ट्स बाइक ही है ये।